आज सुबह से ही विदिशा शहर में बाजार को अनलॉक कर दिया गया। अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकान खोलकर व्यवसाय शुरू कर दिया। व्यापारी 2 महीने के अंतराल के बाद व्यापार खुलने से बहुत खुश नजर आए। वहीं दूसरी ओर बाजार में एकदम भीड़ बढ़ गई है। बाजार का जायजा लेने के लिए कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, SP विनायक वर्मा, SDM गोपाल सिंह वर्मा सहित तमाम अन्य अधिकारी भी बाजार से निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश देते हुए दिखे। सोमवार शाम को बाजार पूरे समय खोलने के आदेश जारी हुए थे, उसके बाद देर शाम को प्रशासन ने उसमें फिर बदलाव कर दिया है। सप्ताह के दिनों में हिसाब में अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को खोलने की अनुमति दी गई है। केवल किराना दुकान 6 दिन खुलेगी, साथ ही शनिवार देर रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। देर रात अनलॉक को लेकर बदले नियम के चलते व्यापारियों में असमंजस की स्थिति भी थी, इसके चलते शहर का पूरा बाजार खुल गया। गंज बासोता से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? साहिब खेड़ा। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? क्लाथ मर्चेंट। लगभग 50-52 दिनों बाद मार्केट खोला है जी। किस तरीके से क्या पालन कराएंगे आप? बस अब जो शासन का आदेश आए हैं उसी गाइडलाइन के द्वारा ग्राहकों से बोला जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, और मास्क नहीं होगा तो ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा, और दो ग्राहक से ज़्यादा दुकान में एंटर नहीं करा जाएगा, क्योंकि उनकी भी सेफ्टी है और अपनी भी सेफ्टी है। 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। सर आज मार्केट को खोला गया है और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, सर क्या कार्रवाई है? सरकार द्वारा अनलॉक किया गया, विदिशा शहर को अनलॉक किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग अचानक से भीड़ इकट्ठे करने लग गए हैं, तो अभी कार्रवाई की जा रही है, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लोगों को अलग मतलब दूर रहने की सलाह दी जा रही है, मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जो गाइडलाइन का निर्णय शाम को 6 बजे हो गया था, पर रात को 11:30 बजे चेंज करना पड़ेगा गाइडलाइन, उसके बारे में व्यापारियों को जानकारी देंगे, क्या प्रयास करेंगे आप? नहीं, उसकी जानकारी पहले से थी, सभी को थी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी पहुँच चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।